गुडबाइज आर द मोस्ट डिफिकल्ट, और वो भी अपनी फैमिली को जिसे आप होश संभालते ही देखते हैं। लाइफ में कुछ फ्रेंड्स और रिलेशंस ऐसे बनते हैं जो फैमिली से कम नहीं होते, पर उनसे दूर जाना उतना ही डिफिकल्ट होता है। ऐसा ही कुछ हाल था काजल और मेरा। जाने से पहले फैमिली के साथ बिताए हुए वो यादगार लम्हे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में शोकेस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट अबव। पर आज वक्त है आगे जाने का। वो कहते हैं ना, कहीं से निकल कर ही हम कहीं पहुंच सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट अ जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। मोटा पहलवानी करते हुए मेरे को लगता है ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, इतने मोटे मोटे बैग उठा के रखना। ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट। अपना एक छोटू बतिया सर, फाइनली वी आर डूइंग इट। हमारी फ्लाइट थी इन इतिहाद एयरवेज एंड वी बुक्ड इट फॉर 1,70,000 फ्रॉम क्लियर ट्रिप। फर्स्ट चेक पॉइंट क्रॉस्ड, एयरपोर्ट में एंट्री हो चुकी है। वी आर ऑल सेट टू चेक इन आवर बैग। इतना लंबा लाइन है भाई साहब, अगर आप जल्दी नहीं आओ तो बैंड ही बज जाएगा। मतलब ये मोटा की वजह से कभी लेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा टाइम से पहले लेके जाता है। इतिहाद एयरवेज में ओनली वन केबिन बैगेज इज अलाउड पर पर्सन अप टू 7 kgs, और चेक इन में 2 bags ऑफ 23 kgs ईच इज अलाउड। ये अपना कितना है? 22.4। वी कुड हैव ब्रॉट मोर। सो एयरपोर्ट एंट्री हो गई है, चेक इन बैगेज अपना चला गया है, ज्यादा कुछ नहीं था। हम लोग कितना टेंशन लिए थे यार कि मतलब हम लोग का 23 kg से ज्यादा है, बट यहाँ आने के बाद सब बैगेज का 1-1 kg कम हो गया और हमारा कोई भी बैग 23 kg एक्सीड ही नहीं किया। लाइक एवरी बैग वाज 21। बहुत ही स्मूथ चेक इन हुआ, लेकिन वी लॉस्ट ऑन सो मेनी आइटम्स दैट वी कुड हैव ब्रॉट। मन तो कर रहा था कि रख ले, लास्ट मोमेंट में हमने कुछ कुछ चीज़ें निकाली थी एसेंशियल, बट ठीक है यार, एटलीस्ट हैसल फ्री रहा, कोई टेंशन नहीं हुआ, सारा सामान चला गया। अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। चलो भीड़। शूटिंग यहीं तक अलाउड था, इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस आपको वीडियो में आगे बताते हैं। इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब कुछ अब हो गया, अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बैंगलोर ड्यूटी फ्री। और हाँ, वैसे तो हमने ट्रांजिट वीजा बनवा लिया था फॉर यूएई, लेकिन सिंस हमारा दोनों फ्लाइट बैंगलोर से अबुधाबी और अबुधाबी से टोरंटो वाज फ्रॉम इतिहाद एयरवेज, वी एक्चुअली डिड नॉट रिक्वायर अ ट्रांजिट वीजा। तो फ्लाइट में 2 hours बाकी है, तो वी गो टू द लाउंज, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बहुत ही लंबा जर्नी है, अभी लाउंज एक्सप्लोर करते हैं। Benefits of Neo Blue. Thank you. So Bangalore has 2 international lounges. एक में न्यू ग्लोबल कार्ड नहीं चला एंड दूसरे में चला, सो दे टोल्ड दैट दूसरे वाले लाउंज में चलता है न्यू ग्लोबल, सो वी ट्राई दिस लाउंज एंड यहाँ पे काम कर गया, सो वी आर नाउ गोइंग टू लाउंज। बैंगलोर इंटरनेशनल लाउंज हैड वेरी गुड कलेक्शन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, और बस खाना देख के ही हमें भूख लग गया, और ऐसा भूख तो लगा ही था क्योंकि लगभग 6 घंटे पहले हम घर से निकले थे। बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने में करीब 2 घंटे लगे हमें, एंड देन द लॉन्ग वेट। ओके, सो नाउ वी आर सेटल्ड इन, हमारे पास अभी 1 घंटे है टिल वी बोर्ड फॉर अबुधाबी। सो इमिग्रेशन का हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। वी जस्ट केम इन, बोर्डिंग पास लिया गया, दे चेक ऑन द वीजा and just ask कहाँ जा रहे हो, and just the final destination was checked, और उसके बाद I was through to security and it was pretty smooth for me. But काजल से कुछ और questions पूछे गए हैं, so she's just want to bring some food, जैसे वो आती है तो पूछते हैं उसके experience कैसे।
तो आते के साथ खाने पर टूट पड़ी है ये। हाँ दे दो। अच्छा है खाना। तुम्हारा इमिग्रेशन कैसा रहा? मैं डर गई थी। हुआ क्या? सौरभ को तो आराम से छोड़ दिया, लेकिन मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस किए, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया यार। पर मैंने उन्होंने 4-5 क्वेश्चन किए होंगे। फर्स्ट दे आस्क कि मेरा फाइनल लैंडिंग कहाँ है, सेकंड दे आस्क पर्पस क्या है जाने का, एंड क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट चेंज करवाया था, लाइक मेरा पासपोर्ट नंबर चेंज हुआ था बिकॉज ऑफ द एड्रेस अपडेट, तो उन्होंने वो भी पूछा दैट मैंने अपना पासपोर्ट चेंज क्यों करवाया है। उसके देन दे आस्क फॉर द COPR लेटर, देन आई गिव द COPR लेटर, देन दे सेड कि इसके साथ PR कार्ड भी तो मिला होगा। हमें नहीं, वो भी नहीं मिला, हमें वो जाके मिलेगा। तो दैन आस्क कि ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल है, एंड देन आई सेड यस। और फिर मैंने उनको COPR लेटर दिखाया, पासपोर्ट दिखाया, एंड दे स्टैम्प्ड इट। उसके बाद इमिग्रेशन का इट्स टाइम टू हैव सम फूड, सो फूड इट इज। फिर घर वालों से बात करते करते समय का कुछ पता ही नहीं चला, एंड वी जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। और फिर ये हुआ। सो अपने फैमिली से बात करते करते हमें बहुत लेट हो गई है और बोर्डिंग टाइम हो गया। हम लोग रश कर रहे हैं गेट की तरफ। बोर्डिंग क्लोजेस इन अनदर 10 मिनट्स। वी हैव टू गो टू गेट 40। अगेन व्हाई दिस हैपेंस टू अस ऑल द टाइम? 40 की जगह 40-41। दौड़ रहे हम लोग लिटरली। अभी लेट फ्लाइट में वी गॉट पिलोज, ब्लैंकेट, अ चार्जिंग पोर्ट, एंड ऑफ कोर्स अ स्लाइडेबल ट्रे। Flight time will be 3 hours and 50 minutes. और यहां से हम टेक ऑफ कर जाते हैं फ्रॉम इंडिया। थोड़ी देर बाद वी गॉट सर्व्ड विद अ डिनर इन द फ्लाइट। सो खाने में था चिकपी सैलेड, समथिंग स्वीट, चिकन विथ राइस, बन, वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक। खाना वॉज ओके, इट वॉज नॉट ऑल दैट ग्रेट। इट इज राइटली सेड द वर्ल्ड इज अ वेरी स्मॉल प्लेस। और ऐसा ही हुआ हमारे साथ फ्लाइट में। हम मिले अभिषेक से जो कि थे हमारे होम टाउन से, रांची से। सो उनसे बात करते करते पता ही नहीं चला टाइम कहाँ पार हो गया, एंड वी रीच्ड अबू धाबी। वापस यहाँ आने के बाद फिर से एक बार सिक्योरिटी हुआ, लगेजेस को फिर से स्कैन किया जा रहा, कुछ नहीं हुआ। और जाते जाते आई एम सीइंग अबू धाबी ड्यूटी फ्री, सो आपको भी दिखाते हैं। फ्लाइट का एक्सपीरियंस ओके था, इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, लेकिन ठीक है। अबू धाबी तक का सफ़र तो अच्छा था, लेकिन ओवरऑल सर्विसेज मुझे अच्छी नहीं लगी। आई हैड कॉल्ड फॉर वाटर जो मुझे आधे घंटे बाद दोबारा बोलने के बाद मिला। So I overall did not like the services at all. But yes, now that we are in Abu Dhabi, अभी हमारा यहाँ पे 10 घंटे का halt है। तो सबसे पहले एक जगह देखते हैं, settle down करते हैं। और आइए आपको बताते हैं एक और पंगा हमारे साथ हो गया कि the boarding pass that we got from Abu Dhabi to Toronto, उसमें क्या किया है इन्होंने, इन्होंने हमें दो aisle seats दे दी। So we are not sitting together as of now. So flight पे जाएंगे और उसके बाद check करेंगे कि exactly हमें सीट कहाँ मिलती है और हम साथ में बैठ पाते हैं कि नहीं। बट या दैट इज़ अनदर चैलेंज टू बी टैकल्ड अ लिटिल लेटर। सो अभी कोई जगह देखते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं। कुछ दिन के बाद हमें एक स्पॉट तो मिला और उसी के साथ शुरू हुआ 10 घंटे का लंबा लेओवर। So
सो 8 घंटे का भरपूर नींद लेने के बाद अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है. गेटिंग रेडी फॉर द बिग फ्लाइट. बोर्डिंग इज डन. सो वी आर टेकिंग द फ्लाइट फ्रॉम अबू धाबी टू टोरंटो. फाइनल डेस्टिनेशन. दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं होती. हमने फ्लाइट में एक फेलो पैसेंजर से बात करके अपनी सीट साथ में करवा लिया. ओह गॉड, दिस इज सच अ बिग फ्लाइट, बट द लेग स्पेस इज नाइस. डिस्प्ले वाज गुड विद डीसेंट हेडफोन्स. साथ में हमें मिला ब्रश, ईयर प्लग्स, आई मास्क, वाइप्स, सैनिटाइजर एंड अ टूथपेस्ट. Overall, a very good package. और अब इंतजार खत्म होने का वक्त आ गया था. And the flight took off. सबसे पहले हमने मूवी देखी और कुछ ही टाइम बाद हमारा लंच आ गया. The quality of food, I must say, was very good. और जब करना हो टाइम पास तो गेम से बढ़िया और क्या ऑप्शन हो सकते हैं. सो इन फ्लाइट मैनी गेम्स फॉर अवेलेबल लाइक Uno, Angry Birds एंड मैनी मोर. शाम होते ही वी वर सर्व्ड हाई टी जिसमें था सैंडविच एंड अ सेलेक्शन ऑफ बेवरेजेस. वी टुक ब्लैक टी. हैट्स ऑफ इतिहाद फॉर द हॉस्पिटैलिटी. टाइम था तो थोड़ा वीडियो भी एडिट कर लिया और फिर गाने सुनते सुनते हम सो गए. ओवरऑल 14 आवर्स का ये जर्नी जो बहुत ही मुश्किल लग रहा था बड़ी आसानी से खाते पीते एंड एंजॉय करके कट गया. शायद ये हमारा एक्साइटमेंट ही था which helped us all the while. And we finally reached Toronto. First steps in the land of Canada. Welcome to Canada. If you want to know more about Canada immigration, comment and tell us and we'll make a separate detailed video about it. और हमारा एक फ्रेंड भी आ रहा है हमें पिक करने के लिए. सो वी आर वेटिंग फॉर हिम. वंस ही इज देयर वी विल हेड टू एयरबीएनबी. टोरंटो ने क्या वेलकम किया हमारा स्नोफॉल के साथ. मतलब बाहर वी कैन सी स्नोफॉल. आई डोंट नो क्या होगा बाहर जाने के बाद. -5 है टेंपरेचर एंड ऑलरेडी गेटिंग स्कर्ट. सो फटाफट जैकेट का चेन कर लेते हैं हम लोग ऊपर. लेट्स सी कितना ठंड है. Hopefully we survive this winter. Yeah. We need to do a lot of things. First of all, फटाफट निकलते हैं यहाँ से और अपने Airbnb में check-in करते हैं और मिलते हैं आपसे. अब तो आपसे मुलाकात ऑलमोस्ट बहुत जल्दी जल्दी होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ वीडियोज. उन वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए आप हमारे चैनल को एंड कॉमेंट करके बताइएगा कि किस किस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं. वी विल मेक वीडियोज अराउंड दैट. So till then, keep working hard towards your dream because it's your time to shine. Bye-bye. Bye-bye.